हेलो फीफा लवर्स, सो वेलकम टू द सुटर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द अनदर स्पेशल अपडेट एपिसोड ऑफ फीफा। तो जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव चीज मिलने वाला है एंड इस वीडियो के अंदर जो जो मैं अपडेट देने वाला हूँ वो सभी के सभी आफ्टर OB26 अपडेट के बाद आप लोगों को मिल जाएगा गेम के अंदर। पर मैं छोटा सा आप लोगों को डिटेल्स देना चाहता हूँ कि जो जो चीज मैं इस फुल वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ही आप लोगों को बताने वाला हूँ स्काइलर जो कि एक न्यू कैरेक्टर आने वाला है एंड फ्री फायर के साथ स्काइलर का कोलैबोरेशन होने के बाद स्काइलर कैरेक्टर तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ और भी बहुत सारा न्यू आइटम यहाँ पर गेम के अंदर आने वाला है इसी कोलैबोरेशन के दौरान। तो वो भी चीज मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, डिटेल्स में दिखा दूंगा एंड दोस्तों उसके साथ साथ न्यू गेम के अंदर दो फीचर्स यहाँ पर लाया जा रहा है तो उसके बारे में मैं डिटेल्स में आप लोगों को बातचीत करूंगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो कम बकवास लेट्स द वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग रह चुके हैं हमें टिपिकल इंट्रो के बाद एंड दोस्तों यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूज आप लोगों को देने वाला हूँ उसके पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भाई मेरा यहाँ पर काम के वजह से कुछ डिले हो रहा है अपडेट देने में। तो आप लोगों को अगर जल्दी जल्दी अपडेट चाहिए, मेरा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो एंड सबसे पहले आप लोगों को अपडेट मिलेगा उसी चैनल के ऊपर। एंड दोस्तों उसके साथ साथ Game.TV के ऊपर भी हम लोग बहुत ही बड़ा एक टूर्नामेंट करने वाला है, डेली 5 टूर्नामेंट्स करके होगा। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 ही अनाउंस किया गया है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का जितना ज़्यादा कोऑपरेशन बढ़ेगा उतना ही जो नंबर ऑफ टूर्नामेंट होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाए दोस्तों, आप लोग जाकर फ्री में दोस्तों रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एंड वहाँ पर जो विनिंग प्राइज है वो तो आप लोगों को वहाँ पर जाने के बाद देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो जल्दी से जल्दी जाओ, नीचे मेरा Game.TV गिल्ड का लिंक है, आप लोग जाकर चेकआउट कर लो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपडेट के ऊपर हम लोग बात कर लेते हुए दोस्तों गन्स एट्रीब्यूट के ऊपर, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही है हर एक ओबी अपडेट के बाद यहाँ पर गन्स एट्रीब्यूट के अंदर बहुत ही ज़्यादा छेड़छाड़ यहाँ पर किया जाता है गरीना फ्री फायर की तरफ से। तो इस बार भी ऐसा ही होगा दोस्तों, लेकिन पिछले बार जो हुआ था दोस्तों दो ही गन का एट्रीब्यूट यहाँ पर चेंजेस किया गया था, लेकिन इस बार बहुत सारे गन का एट्रीब्यूट यहाँ पर चेंजेस किया जा रहा है, जिसके अंदर से दोस्तों सबसे पॉपुलर गन हेक्टर, फिर है दोस्तों M1887, फिर है दोस्तों ड्रैगन अप, मतलब जो जो गन्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्लेयर्स यहाँ पर पसंद करता है उन्हीं सब गन्स का यहाँ पर एट्रीब्यूट जो है वो घटा दिया जाएगा एंड दोस्तों उसके बदले में UMP, M1014, Groza एंड M249 जो कि बहुत ही कम यहाँ पर यूज होता है गेम के अंदर, इन चारों गनों का जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। एंड Groza का जो डैमेज है दोस्तों एवरेज डैमेज कर दिया गया है 60 आप, ठीक है, मतलब आप लोग सोच ही सकते हो कितना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है OB26 अपडेट के बाद Groza गन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद जो चीज़ के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये जो अपडेट मैं देने वाला हूँ वो शायद ही किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक आप लोगों को बताया है, वो है दोस्तों न्यू एक जोन आ रहा है, जैसे कि डेंजर जोन आता है एंड ब्लू जोन होता है, वैसे ही एक नो सिग्नल जोन आएगा, जिसके अंदर जो सो अगर वो नो सिग्नल जोन के अंदर अगर कोई एनिमी फाइट ले रहा है तो उसको मिनी मैप के अंदर शो नहीं करेगा, मतलब अगर आप लोग बोल सकते हो कि जो मिनी मैप के अंदर जैसे ही कोई एनिमी आपको मारते है तो मिनी मैप के ऊपर एक रेड डॉट करके आ जाता है एंड उससे आप लोगों को पता चल जाता है कि एनिमी किधर से आप लोगों को मार रहा है, लेकिन ये जो नो सिग्नल जोन होगा उसके अंदर अगर कोई एनिमी आपके ऊपर फायर करेगा या फिर आप किसी एनिमी के ऊपर फायर करोगे तो वो चीज़ यहाँ पर मिनी मैप के अंदर कोई भी शो नहीं करेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक फायदेमंद है टूर्नामेंट के अंदर, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो मुझे ये चीज़ जो इम्प्लीमेंट किया गया है वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी सुनने में, अभी देखना पड़ेगा कि गेम के अंदर आने के बात कितना ज्यादा यूजेस होता है इसका एंड कितना ज्यादा एडवांटेज देता है गेम खेलने में, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को इस बारे में क्या ख्याल है भाई मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो मेरा पर्सनल ओपिनियन में एक ये जो चेंजेस है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक न्यू मैकेनिज्म आ रहा है जो कि है डायनामिक डुओ मैकेनिज्म एंड ये बहुत ही जल्दी मतलब OB26 अपडेट के बाद ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा एंड मैं इसके रिगार्डिंग आप लोगों को बता देता हूँ कि OB26 अपडेट आने वाला है 4th February। तो यहाँ पर ऑफिशियली पोस्टर भी लॉन्च हो चुका है, आप लोग देख सकते हो 4th February यहाँ पर OB26 अपडेट आ रहा है एंड दोस्तों उसके बाद से आप लोगों को गेम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा डायनामिक डुओ मैकेनिज्म, ठीक है। एंड इसके अंदर से क्या होगा, इसके अंदर से आप लोगों को बहुत ही सारा रिवार्ड भी मिलने वाला है एंड ये जो डुओ पार्टनर्स हो गए ये कोई मेल टू मेल भी हो सकता है, मेल टू फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे चाहे ऐसे ही हो सकता है, लेकिन
जिसके साथ आप लोग ज्यादा वक्त खेलते हो, ठीक है, उसको ही अपने डुओ पार्टनरशिप में रखोगे, ठीक है। तो अगर डुओ पार्टनर्स के साथ आप ज्यादा वक्त खेलते हो तो आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेगा, मतलब आपको भी मिलेगा, अपने आपका जो डुओ पार्टनर है उसको भी मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारा रिवॉर्ड्स का भी यहाँ पर इंतजाम कर रहा है। आप अगर किसी को डुओ पार्टनर बनाते हो तो उसके साथ खेलने के बाद आप लोगों को एक्स्ट्रा रिवॉर्ड कुछ देगा गरीना वाले, ठीक है। तो ये जो मेकानिज्म है ये भी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। एंड लास्ट ऑफ ऑल जो चीज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ वो है दोस्तों स्काईलाइन न्यू कैरेक्टर के बारे में। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता ही है कि स्काइलर यहाँ पर बहुत ही एक डेडली कैरेक्टर होने वाला है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये एक ही मुक्के के अंदर पूरा 100 मीटर तक, मतलब मैक्स लेवल पे 100 मीटर तक जितना भी ग्लूअल होगा वो सब कुछ तोड़ डालेगा, ठीक है। लेकिन इसका भी एक क्राइटेरिया है कि एरियल वे में ग्लूअल तोड़ेगा। एरियल वे मतलब दोस्तों अगर आप नॉर्थ की तरह मुंह करके मुक्का मार रहे हो तो साउथ के तरह ग्लूअल नहीं फोड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न जो साइड है उसके ऊपर ही 100 मीटर तक जो जो ग्लूअल होगा वो सब टूट जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एनिमी जिस तरफ ग्लूअल मारेगा आपको भी उसी तरह मुंह करके मुक्का मारना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे ही आपका जो एनिमी का जो ग्लूअल होगा वो टूट जाएगा, ठीक है। एंड उसके साथ साथ जब आप लोग खुद ग्लूअल लगाओगे, ठीक है, तो आपको 50 तक HP यहाँ पर गेन हो जाएगा। तो भाई बहुत ही डेडलीस्ट कैरेक्टर यहाँ पर होने वाला है। एंड मुझे जो लगता है अभी से भाई अलोक, तो अलोक एंड क्रोनो दोनों ही यहाँ पर लोग यूज करना छोड़ देगा इस कैरेक्टर आने के बाद। एंड इस कैरेक्टर का लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। एंड इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारा कुछ यहाँ पर आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आने वाला है पैरासूट, जो कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। एंड दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आने वाला है ग्लूअल का स्किन। एंड दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा ग्रेनेड का स्किन, ठीक है। एंड उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ लॉबी आइटम भी आप लोग को मिलेगा, मतलब बहुत ही बड़ा एक इवेंट आप लोग बोल सकते हो कि वो भी 26 अपडेट के बाद ये जो स्काइलर के साथ जो कोलैबोरेशन हो रहा है ये बहुत ही बड़ा एक इवेंट भी लेकर आएगा, ठीक है दोस्तों। वैसे आप लोगों को ये कैरेक्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई। मुझे तो ओबी 26 अपडेट के बाद जो दोनों ही कैरेक्टर आने वाला है एंड दोस्तों तीसरा जो पेट भी आने वाला है वो तीनों ही मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता है कि भाई और एक कैरेक्टर सीरो एंड दोस्तों उसके साथ साथ जो ड्रैकिनो जो पेट आने वाला है उसका क्या एबिलिटी है, तो ऊपर आई बटन में एक लिंक है, आप लोग जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का एक एक लाइक मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। एंड दोस्तों जो जो इस चैनल के ऊपर न्यू आए हो जल्दी से जल्दी लाल वाले जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर देना दोस्तों। एंड दोस्तों उसके बगल में जो बेल वाला आइकन आ रहा है उसको भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर प्रेस कर देना। एंड जब हम लोगों का इस चैनल के ऊपर 3.5K मेंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब हम लोग करने वाले एक बहुत ही बड़ा गिव अवे का अनाउंसमेंट, तो उसके लिए भाई 3.5K मेंबर्स कर दो जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।